हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है, ब्रेकफास्ट बनाने से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आलू उबाल के रखे थे, मतलब आलू तो मम्मी ने उबाल दिए थे, मैं इनको पील ऑफ कर रही हूँ। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटे आलू के पराठे। और ये वाली रेसिपी मैं आपको एक बार ज़रूर से बोलूँगी, आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा। ये मतलब हो सकता है आप लोग अपने घर में बनाते हों या फिर आपने खाए हों, लेकिन अगर आप लोगों ने ये कभी नहीं खाए इस टाइप से तो आप ज़रूर से ट्राई करना, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे और हो सकता है आपके बच्चों को भी पसंद आए, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी होता है ना। तो यहाँ पर जितने भी आलू हैं उन सभी को पहले मैं पील ऑफ कर लेती हूँ और इनको अच्छे से मैश कर लूँगी मैं। आलू मैंने अच्छे से मैश कर दिए हैं, रख दिए हैं साइड में। तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और आटा इसके लिए बहुत सॉफ्ट लगाना होता है, किसी भी पराठे के लिए, भरवा पराठे के लिए। उससे क्या होता है पराठे फटते नहीं है। तो मैंने इसमें हींग और अजवाइन डाल के मैं इसका सॉफ्ट आटा गूंद रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी पराठे। एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के 9:15 बज रहे हैं और मैं तैयारी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे, मतलब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। और आलू के पराठे मैं दो तरीके से बनाती हूँ, और जो ये वाला तरीका है ना, इस तरीके से मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो मैं सोचती हूँ इसको कभी कभी बनाऊँ, हम इसे मतलब हमेशा ऐसे ही बनाते रहेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा टेस्ट में हम लोगों को बोर से हो जाएंगे एक ही टेस्ट लेके। तो मैं इसको बहुत कम बनाती हूँ और मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, मम्मी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो पसंद है ही। तो ये इस तरह के जो आलू के पराठे हैं ना, ये आपको रेस्टोरेंट में कभी भी नहीं मिलेंगे खाने को। रेस्टोरेंट में तो आलू ही इतना कम होता है आलू के पराठे में। ये आपको जैसे आप पहाड़ में कहीं जा रहे हो तो रोड साइड में छोटी छोटी शॉप्स होती है ना, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा। मैंने वहीं पे फर्स्ट टाइम ये खाया था और तब से ही मैं अपने घर में इस तरह से बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो एक बार बहुत पहले मैंने इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, आज फिर से कर रही हूँ। और शायद हो सकता है आप लोग भी इस तरीके से बनाते हो, तो इसलिए मैंने बहुत सारा लहसुन, बहुत सारी मिर्ची और बहुत सारा अदरक लिया है। तो आशा के लिए मैं ये नहीं बनाऊँगी क्योंकि इसमें बहुत मिर्ची, मैं स्पाइसी बनाऊँगी, मुझे स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला पराठा। तो मैंने आटा गूंद दिया है, आलू वहाँ पर मैश करके रख दिए हैं, ये सब छील दिया है और कुछ कुछ इसमें छिलके भी हैं थोड़े बहुत, जो अभी हट जाएंगे क्योंकि सबसे बोरिंग काम होता है इनको छिलकों को हटाना, इसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो थोड़ा थोड़ा मैंने अच्छे से छील दिए हैं, वॉश कर दिया अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा मैं धनिया वगैरह ऐड करूँगी। और आज हम बहुत ही टेस्टी वाला, मतलब बोलते हैं ना आलू का पराठा चटपटा वाला बनाने जा रहे हैं। तो हो सकता है मिर्ची भी कम हो, मैं इसमें मिर्ची और ऐड करूं। तो फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। और मम्मी भी उधर बाहर है, सिया उठ गई है, आशी तो अभी नहीं उठी, जैसे आपको पता है आशी लेट ही उठती है। तो जैसे ही आलू के पराठे बनेंगे मैं उसको उठा दूंगी, तो ब्रश वगैरह कर लेगी। और अभी मैं जा रही हूँ पुदीना लेने के लिए, क्योंकि मैं पुदीना भी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें अनारदाना आता है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं है। तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो मैं ले रही हूँ पुदीना, और पुदीना देखो काफ़ी अच्छा हो गया ना, लेकिन अभी जैसे बरसात पड़ेंगी ना तो ये पुदीना ना वैसा ख़राब होने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कीड़े वगैरह लग जाते हैं मिट्टी में ना। तो हम शायद इसे गमले में भी कर सकते हैं, मम्मी बोल रही थी। तो थोड़े सा पुदीना मैं ले लेती हूँ, और जैसे इस पुदीना को तोड़ो ना इतनी अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है हम आम की चटनी बनाने जा रहे हो, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो थोड़ा सा धनिया, ज़्यादा धनिया नहीं तो कड़वा भी हो जाएगा स्वाद, तो थोड़ा सा धनिया लेती हूँ, ये इतना बहुत होगा। और थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सिलबट्टा, और इसको मैं सिलबट्टे में ही पीसूंगी, मिक्सी में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो सिलबट्टे का स्वाद है वो मिक्सी में कभी नहीं आ सकता। तो सिलबट्टे को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, इसमें बहुत सारी हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आशी और के लिए मैं अलग से बनाऊँगी धनिया वगैरह डाल के, ये मैं अपने लिए मतलब हम लोगों के लिए बना रही हूँ, बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए मैं अलग से बनाऊँगी सिंपल वाले। तो इसमें मैंने ले लिया है बहुत सारी हरी मिर्ची, बहुत सारे लहसुन और बहुत सारे आपने देखा अदरक मैंने लिया है। और इसको बहुत ही अच्छे से हम बिल्कुल पीस लेंगे इसको सिलबट्टे में, जैसे हम चटनी वगैरह पीसते हैं ना सेम वैसी। और इसको पीसते हुए इतनी अच्छी खुशबू आती है, जब आप लोग इसको ट्राई करोगे आपको खुद से दिखेगा कि कितनी अच्छी इसमें खुशबू आती है। और इसके बाद इसमें जो जाने वाला है वो है पुदीना, फ्रेश पुदीना। तो फ्रेश पुदीने की तो बात ही कुछ और है, फ्रेश पुदीना के साथ थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऐड करा है, और इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे।
और जब मैं इसको पीस रही थी ना, तो अब मैं आपको बताऊँ, मुझे ऐसे लग रहा था मैं अपनी नानी के घर में हूँ, क्योंकि हम बचपन में नानी के यहाँ छुट्टी में जाते थे ना, तो मेरी नानी आम की चटनी बनाती थी, तो बिल्कुल ऐसी खुशबू आती थी पुदीने के साथ वो बनाती थी। तो यहाँ पर मैंने अभी जो चटनी है वो बना ली है उसकी, और यहाँ पर जो आलू बॉईल थे थोड़े आलू निकाल दिए आशी औरों के लिए, और जितनी भी चटनी है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। साथ में थोड़ा सा, थोड़ा तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी इसमें प्याज था जो मैंने बारीक कट करके रखा था, इसको भी इसमें मिला दिया है मैंने, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग मिला लेंगे सारी चीज़ों को। नमक और मिर्च आप टेस्ट कर सकते हो, कम या ज़्यादा हो जाता है कई बार, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से, इसको देखा आपने बिल्कुल मिक्स कर लिया है, तो ये हमारा जो फीलिंग है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुकी है। यहाँ पर तवा जो है वो गर्म हो गया है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पराठों को भरते कैसे हैं, सभी को आता है पराठे कैसे भरते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, आटा लेती हूँ मैं बहुत कम और आलू लेती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और इनके बनाती हूँ मैं बड़े बड़े से पराठे, पतले पतले बिल्कुल, जिसमें सिर्फ आटा आटा ऊपर दिखे, लेकिन अंदर से आपको ना, मतलब बाहर से आपको दिख जाएगा कि इसमें बहुत सारा आलू है भरा हुआ, और इस टाइप के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। ये पराठे मैंने जब से खाए हैं तब से मैं इनकी फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है अगर आप लोग अपने घर में बनाओगे तो आपको ये डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। तो ये मैं पराठे बना रही हूँ, ये देखिए बहुत अच्छे बनते हैं, और घी इसके ऊपर लगा दो या बटर लगा दो तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ पर पहला पराठा बन गया है, अब मैं दूसरा पराठा बनाऊँगी। यहाँ पे मम्मी ने सब्जी ली है, ये करेला है और खीरा है, खीरा ही है ये, करेला और खीरा, और सब्जी को समझ ही नहीं आ रही है, वही शिमला मिर्च तोरी वगैरह। तो करेले तो अच्छे लगते हैं, भरवा बना दो चाहे फिर इनको काट के बना दो। तो करेले लिए हैं, आलू वगैरह लिए हैं, टमाटर और प्याज लिए थे, तो इन सबको मुझे अभी वॉश करना है और फिर हम इसे रख देंगे। मतलब ये जो आलू प्याज है इनको तो मैं वॉश नहीं करती हूँ, ये तो बाहर रहते हैं, तो मम्मी ने इधर बाहर ही बरामदे में रख दिए थे इसको ना, तो क्योंकि बच्चे छेड़ते हैं अंदर रख दो तो। ये हरी मिर्चें इन सबको मैं स्टोर करके रखूँगी। टमाटर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ टमाटर की झोली बना देती हूँ, लेकिन मम्मी से पूछती हूँ पहले मैं, और इनको मैं किचन में ला के ज़रा वॉश भी करा देती हूँ। और अभी इतने फ्रेश लग रहे हैं ना, तो जब ये फ्रेश फ्रेश हो ना तभी बनाओ तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उसके बाद ये अजीब से हो जाते हैं। तो ये करेले, और जो टमाटर हैं उनको मैंने पानी में मतलब डिप करके रख दिया है नमक के पानी में, और जब तक मतलब उसको आधा घंटा मैं रखूँगी, उसके बाद उसको हटा दूँगी मैं पानी से, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गल जाते हैं। आजकल देसी टमाटर आ रहे हैं आप सबको पता है, तो वो एकदम से गलने लग जाते हैं, तो मैं हल्का मतलब उसको सिर्फ 15-20 मिनट के लिए रखूँगी पानी में, उसके बाद हटा दूँगी। और तब तक मैं फ्री थी, कुछ अभी ऐसे कुछ काम है नहीं, कपड़े धोने मेरे रहते हैं लेकिन वो मैं आराम से धोऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं आजकल, बहुत कम कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड घर पर रहते हैं तो कहीं आना जाना होता नहीं है, उनके एक जोड़ी कपड़े रहते हैं जो कि वो बस मैं वही वॉश करती हूँ। बच्चों के भी कमी होते हैं कपड़े आजकल, लोअर टी शर्ट ही घर पे पहनते हैं, ये तो बहुत कम कपड़े रहते हैं, और मेरे पास टाइम था इस टाइम पर, तो मैंने कहा चलो मैं ये जो कैबिनेट्स के बाहर के जो ये साइड है इनको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, यहाँ पर काफ़ी आटा वगैरह या चीज़ें गिरती हैं, क्योंकि यहाँ पर खड़े होकर हम कुकिंग करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सामान जो है अब वगैरह गिरता है, ज़्यादातर आटा ही यहाँ पर गिरता है रोटी बनाते हुए। तो बस इस सबको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, अंदर से तो मैंने अभी करा था, फिर भी थोड़ा सा है अंदर करना, तो बीच में मैं उसको मैं भी एक हाथ मारे दूँगी, अभी फ़िलहाल बाहर बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो चॉकलेटी कलर का है ना ये कैबिनेट्स, तो इसके
एकदम से वाइट वाइट से दाग दिखते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं अभी बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बिजी हूँ, खाली हूँ मैं, तो मैंने कहा चलो इसमें हाथ मार देता हूँ, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है, इसमें सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट लगे हैं और अच्छे से ये क्लीन हो गया था। तो मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह, प्याज और लहसुन मैंने कट कर दिए हैं और टमाटर की छोली बना रहे हैं हम लोग। और हमने मॉर्निंग आलू के परांठे खाए ना, बहुत हैवी हो गए हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं। दो परांठे मैंने पतले पतले बनाए फिर भी वो काफ़ी हैवी हो गए थे। तो ये वाला टमाटर मैंने फ्रिज से निकाले हैं, तो इन टमाटरों की मैं टमाटर की छोली बना रही हूँ। और जो अभी मम्मी ने मतलब मॉर्निंग में लिए हैं वो मैंने वॉश करके रख दिया है, उसको फ्रिज में रखना है। यहाँ पर मैंने जो करेले और खीरे हैं उसको नमक के पानी में डिप करके मैंने वॉश करके फिर मैंने उसको डिप करके रख दिया है। थोड़ी देर में इसको भी मैं पानी से हटा दूंगी और फिर थोड़ा सा सुखा के फ्रिज में डाल देंगे उसको। तो बस फिलहाल मैं इन वाले टमाटर को मैं पीस देती हूँ और इसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। मैंने काफ़ी बार शेयर कर दिया टमाटर की झोल बोलो झोली बोलो, और दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्या 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 खाओ समझ नहीं आता है। तो आज हम टमाटर की झोली बना रहे हैं, तो ये पापा की फेवरेट में से एक है जो पापा को टमाटर की झोली बहुत पसंद है। तो चलिए बनाते हैं टमाटर की झोली। टाइम 1:10 हो गए हैं। यहाँ पे जो झोली है मतलब टमाटर की झोली है, टमाटर का झोल, तो ये उबल रहा है अभी, तो मैंने इसको चढ़ा दिया है। अभी इसको 15-20 मिनट में और मतलब और पकाऊंगी। 15-20 मिनट मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर जो टमाटर थे वो भी अच्छे से वॉश कर दिए हैं, इस वाली बास्केट में रख दिए हैं। इसमें है खीरे और करेला, तो जैसे इनका पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। और ये मिर्च वगैरह ही मैंने वॉश करी है, और मिर्च भी है वो भी वॉश करी हुई है, क्योंकि इसकी कुछ रेसिपी मैं सोची थी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो इसको पहले अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, फिर वो कुछ मिर्च तो मैंने यहाँ पर वॉश करके रख दी है, कुछ वहाँ पर वॉश हो रही है। और इस तरह मुझे मतलब एक मेरी सब्सक्राइबर हैं संजना, तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब हो गए होंगे शायद 10-12 दिन हो गए होंगे, तो उन्होंने मुझे एक वीडियो शेयर करा था कि दीदी आप ये वाली रेसिपी ट्राई करना, मिर्च का ठेचा बोलते हैं उसको, ठेचा बोलता है पता नहीं। जब मैं इसको ट्राई करूँगी तो आप उसको उसकी रेसिपी का नाम आपको ज़रूर बताऊँगी। तो वो महाराष्ट्रियन डिश है और संजना ने मुझे बोला दीदी आप इसे ज़रूर ट्राई करना, हमसे रोज़ घर पे खाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने कहा चलो संजना बोल रही है तो एक बार ट्राई करना बनता है, क्योंकि संजना मुझे जब मैं जो जो रेसिपी मैं बताती ना वो मुझे बना के और शेयर भी करती थी, देखो मैंने ये बनाया व्हाट्सअप पे। टमाटर की झोली उन्होंने एक बार शेयर करी थी, और एक बार उन्होंने मुझे सोया कीमा भी शेयर करा था व्हाट्सअप पे कि दीदी मैंने ये बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संजना नहीं बहुत से लोग हैं जो मतलब बनाते हैं, जो मैं बनाती हूँ तो वो बनाते हैं ट्राई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मलाई केक भी मुझे अभी एक कमेंट आया है, तो उनका नाम शायद कांति है, तो उन्होंने भी मलाई केक की जो रेसिपी है वो ट्राई करी है, वो पूरी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ और आप लोगों को अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इधर, और बच्चे उधर मेरे रूम में ही हैं, और यहाँ की हालत तो वैसी जैसे मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ, सामान इधर से उधर ही है। फ़ैन अभी गर्मी लग रही है तो फ़ैन बंद नहीं करूँगी, फ़ैन ही खोल के चले गए थे।